नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक आज गिरावट हो चुकी है, कल अपर सर्किट लगा था। हमने काफ़ी बार इस स्टॉक के ऊपर वीडियोस बनाए थे और ये भी कहा था इस स्टॉक से बाहर निकल लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में मोमेंटम की बात की जाए तो यहाँ पे टेक्निकली काफ़ी वीक है और फंडामेंटली भी काफ़ी वीक स्टॉक है। इसलिए हमने काफ़ी बार कहा था उछाल आती है तो बाहर निकल के अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, जहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आज देख सकते कि एक पॉजिटिव चीज़ एक ही नज़र आती है स्टॉक के अंदर, जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइन है 50 मूविंग एवरेज, जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया था। उसके बाद स्टॉक उसी पे ऊपर सपोर्ट लेके सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते कि ऑरेंज भी कुछ मायने नहीं रखते अभी रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे देख सकते कि स्टॉक में कोई खास खबर नहीं आ रही। काफ़ी बार यहाँ पे स्टॉक में ट्रेडिंग भी बैन हो चुकी थी, डेप्थ रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम चालू है। इसके कारण हमने काफ़ी बार कहा था कि स्टॉक से निकल लीजिए, अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, जहाँ पे आपका टाइम भी बच सकता है और लॉस भी रिकवर हो सकता है। इसमें आपकी पोजीशन रहेगी तो देख सकते कि काफ़ी समय से स्टॉक में यहाँ पे पोजीशन फंसी है, काफ़ी जनों की फंसी हुई है। काफ़ी ऊपर से स्टॉक गिर कर नीचे आ चुका है तो काफ़ी वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली भी काफ़ी सालों से स्टॉक यहाँ पे लॉस पा रहा है, तो इसके कारण हमने कहा था कि अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए।